आज जो प्लांटेशन ड्राइव है, हमने हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक इनिशिएटिव चल रहा है हर गांव हरियाली और वन बीट गार्ड वन विलेज के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें लो कास्ट ग्रीनिंग कवर्स हम पूरे एरिया में फैलाना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसा से जो फॉरेस्ट कवर है वो कम होते जा रहे हैं। ग्रीनरी जितनी ज़्यादा होगी उससे वातावरण साफ़ सुथरा होगा और प्रदूषण कम होगा, हम अच्छी साफ़ सुथरी सांस ले सकते हैं। इसलिए हमने ये एक इनिशिएटिव चलाया है डिपार्टमेंट की तरफ से कि हर जगह जगह हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली फैलाई जा सके। सर, इस वक्त जो प्लांटेशन ड्राइव है ये कहाँ होगी आपके तरफ? देखिए, अभी जो प्लांटेशन ड्राइव है हमारी 1 दिसंबर से हमने स्टार्ट की थी। हमने अपने चिराला रेंज के 4-5 ब्लॉक्स हैं हमारे, उनमें मैंने सब जगह प्लांटेशन करवाई है। और इस वक्त अब जो इनिशिएटिव हमारा है कि हम ज़्यादा यहाँ ठाठरी में जंगलवाड़ एरिया जो है हमारा, यहाँ ग्रीन इंडिया मिशन भी आ गया है, उसमें भी हम प्लांटेशन शुरू करेंगे। इस हर गांव हरियाली प्रोग्राम में हमने जंगलवाड़ में, गोयला में, टांटा एरिया में, फिर चिराला में, फक्सू, इस सारे इलाके में हम प्लांटेशन करेंगे। इसके अलावा हम अभी ठाठरी में, अभी हमने आज SHO साहब को साथ में रखकर यहाँ पर पुलिस स्टेशन के एरिया में इसमें पेरीफ्रीज में प्लांट्स लगवाए हैं। इन प्लांट्स को यहाँ पर इसलिए लगाया गया क्योंकि ये सब लोग इनकी केयर करेंगे। आफ्टर प्लांटेशन इसकी केयर बहुत ज़रूरी होती है, तो जब ये केयर दिल से की जाएगी तो ये प्लांट सक्सेसफुल हो जाएंगे। प्लांट सक्सेसफुल होंगे, हम लोग ज़्यादा ज़्यादा जी सकते हैं। ये हमारा इनिशिएटिव है कि फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया जाए। सर, जैसे कि एक तरफ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है पूरी कोशिश कर रहा है प्लांटेशन की और जो है जंगलात को बढ़ाने की, और दूसरी तरफ से जो है जंगलात में ही आग लगाई जा रही है, इस हवाले से आप क्या कहें? देखिए, आग लगाने का जहाँ तक आपका बहुत अच्छा ये है कि आग के बारे में अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए। जहाँ तक आग का मसला है, आग नेचुरली भी लग जाती है। लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है इन चीज़ों के बीच में। लोग सिगरेट नोशी वगैरह, बीड़ी वगैरह पीते हैं, उससे भी जलता हुआ टुकड़ा अपना बचा हुआ बीड़ी सिगरेट का वो छोड़ देते हैं, उससे भी जब सूखा पड़ जाता है ना, उस टाइम में आग ज़्यादा लग जाती है। और वो आग फॉरेस्ट की ऐसी होती है क्योंकि फॉरेस्ट कवर इतना ड्राई होता है, तो फॉरेस्ट कवर ड्राई होने की वजह से छोटी सी चिंगारी ज़्यादा आग बढ़ा देती है। तो वो छोटी चिंगारी को हमें कंट्रोल करना है। हम छोटी चिंगारी को कंट्रोल करेंगे तो आग से हम बच सकते हैं। इसके लिए भी हमने अवेयरनेस कैंप लगाए हैं, हम आने वाले टाइम में और भी कैंप्स लगाए हैं। लोगों को अवेयर करना है कि जंगलात की आग को कैसे हम बचा सकते हैं। लोगों में जब ये जागृति आ जाएगी तो आग खुद बहुत कंट्रोल हो सकती है। सर, जैसा कि जंगलात में जब आग लगती है, लोगों में अफवाहें भी, मिथ्स काफ़ी हैं कि जैसे आग लगने से बारिश होगी वगैरह होगा, ऐसे मिथ्स के लिए आप क्या कहेंगे लोग? देखिए, ये एक आपको पता है आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, आज हर एक चीज़ है, कुछ सब मैक्सिमम चीज़ें तो ऑनलाइन से मिल जाती हैं। आपको कोई कहे कि मैंने रात को भूत देखा, आप देखो कि भाई क्या भूत हकीकत में होते हैं नहीं होते। तो मिथ्स की जहां तक रही कि आप कहो कि यहां ज़्यादा आग लगाएंगे तो उससे आग से तो टेम्परेचर ऊपर का गर्म होता है, तो टेम्परेचर ऊपर गर्म होगा तो आग बारिश कैसे होगी, एक जाहिर सी बात है। साइंस पढ़ते हैं, आज के दौर में कौन है जो इसके बारे में जानता नहीं। ये बिल्कुल अफवाह है, इसके ऊपर ज़रा भी यकीन ना किया जाए। आग लगाने से कोई बारिश नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अब हम चाहेंगे आने वाले टाइम में ना स्कूल्स में ये प्रोग्राम्स करेंगे, बच्चों को समझाएंगे, बच्चे अपने बुज़ुर्गों को समझाएंगे, पेरेंट्स को समझाएंगे, तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जाएगा कि भाई आग लगाने से कोई भी बारिश नहीं आ सकती है। तो ऐसी जो अफवाहें हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी यकीन ना किया जाए। शुक्रिया।